वेलकम टू सोशल। हमने कितनी मूवीज में एक्टर्स को अपनी रियल लाइफ इमेज को प्ले करते हुए देखा है। ऐसे रोल्स काफी स्पेशल होते हैं बिकॉज दे नॉट ओनली एंटरटेन अस बट ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ लेयर्स टू द मिथ ऑफ द एक्टर हु प्लेज देम। हमें ऐसे रोल्स में इन एक्टर्स के रियल लाइफ के बारे में पता चलता है एंड दैट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरी सिनेफाइल। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं हु प्लेड देमसेल्व्स इन फिल्म्स। लेट अस टेल यू हियर दैट हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करेंगे हु डिड दीज रोल्स इन द फिल्म्स लेड बाय अनदर एक्टर। लेट अस ऑल्सो टेल यू हियर दैट हम इस टॉपिक पर एक वीडियो और भी बना चुके हैं एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इट। लाइक लास्ट टाइम हम आपको कुछ ऐसे रोल्स के बारे में बताएंगे विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 30 बार खा के लिए हर चांद ईद का चांद होता है। तो बॉस बॉस सलमान भाई को बुलाओ ना। ए हराम से, ए कनेक्शन लगा रे, लगा 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 नहीं लगा। नंबर 8, आमिर खान इन दामिनी। Although Damini was a very hard-hitting film, जिसे अगर आप आज भी देखोगे, you'll get moved by the seriousness of its plot. लेकिन इसके बावजूद मूवी में कई ऐसे सीन्स थे which were quite light-hearted. इनमें से ही एक सीन था where we see Aamir Khan playing his real life persona. This was a very meta moment जहां हम आमिर को अपनी फिल्म्स के बारे में एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। यही नहीं, इस सीन में he also talks about his upcoming film अंदाज अपना अपना, जिसे दामिनी के डायरेक्टर ने ही बनाया था। आपकी वो अंदाज अपने प्रकार आ रही है? बस बहुत जल्दी आने वाली। अरे जल्दी कीजिए वो। ओके बाय 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 मिस्टर गुप्ता, बाय बाय। नंबर 7, शबाना आजमी इन ओम शांति ओम। लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ओम शांति ओम में एक ब्लिंक मिस केमियो अपीयरेंस दिया था। शी प्लेड हरसेल्फ इन द स्मॉल सीन जहां हम उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स अटेंड करते हुए देखते हैं। इट वाज अ हिलेरियस मोमेंट क्योंकि जो वो इस सीन में बोल रही हैं वो उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करता है। ये स्लम को हटा के जो ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आई। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत इन वेलकम टू न्यूयॉर्क। सुशांत सिंह राजपूत ने मूवी वेलकम टू न्यूयॉर्क में बहुत ही छोटा सा केमियो अपीयरेंस दिया था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जहां ऑडियंस ने उनको अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी स्क्रीन पर प्ले करते देखा था। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीन वाज दैट इट वाज वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ सुशांत्स स्टारडम। इस सीन में दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर सुशांत को MS धोनी समझ लेता है। ये एक ब्यूटीफुल मेटा सीन है क्योंकि रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग सुशांत को धोनी की इमेज से इक्वेट करते थे। अरे एक बात बताओ जी, जब आप वर्ल्ड कप में ना युवराज से पहले आ गए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया, मन क्या निकालूंगा ना, ठोक दूं उसको। सुशांत सिंह उससे भी मिलते हैं। और साक्षी भाभी ठीक है? बिल्कुल। नंबर 5, सलमान खान इन फटा पोस्टर निकला हीरो। सलमान खान डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन दोनों ने ही ऑडियंस को हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना दी थी। सिंस देन सलमान ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम इन वट एवर कैपेसिटी ही कैन। 2011 में सलमान ने एक बार फिर से राजकुमार संतोषी के साथ काम किया था। सलमान को हमने फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में अपनी रियल लाइफ इमेज प्ले करते देखा था एंड इट वाज अ वेरी फनी सीन वेयर वी सी द कैरेक्टर ऑफ शाहिद कपूर इंटरैक्टिंग विद सलमान। सर एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। पुलिस, अब क्या हुआ? नंबर 4, अक्षय कुमार इन ओम शांति ओम। 2007 में रिलीज हुई फिल्म ओम शांति ओम में हम एक्टर अक्षय कुमार को एक स्पेशल अपीयरेंस में देखते हैं। इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट मोमेंट्स इन द फिल्म वेयर ही प्लेज एन एग्जैजरेशन ऑफ हिज एक्शन हीरो पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन। ये एक ऐसा केमियो था जिसे आप जितनी बार भी देखोगे इट विल डेफिनेटली मेक यू लाफ। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है हां, उसकी टीम में तू छोड़ो, ये मेरा अवार्ड है, चीटिंग है, ये फ्रॉड है। नंबर 3, धर्मेंद्र इन गुड्डी। 1971 में आई मूवी गुड्डी एक क्लासिक फिल्म है जहां हमने एक्ट्रेस जया बच्चन जी को लीडिंग रोल प्ले करते देखा था। उनका कैरेक्टर मूवी में एक्टर धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फैन होता है एंड शी इमेजिन्स हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ हर डेली लाइफ। यही नहीं, मूवी में गुड्डी का कैरेक्टर धर्मेंद्र से एक फिल्म सेट पर मिलने भी जाता है। ये धर्मेंद्र जी के लिए एक बहुत ही स्पेशल रोल था जिन्होंने पहली बार अपनी रियल इमेज को स्क्रीन पर प्ले किया था। ये शायद आप नहीं जानते, कभी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराइए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ए गुड्डी, वहां क्या खड़ी है, आ इधर। नंबर 2, रणबीर कपूर इन गोविंदा नाम मेरा।
रणबीर कपूर को अभी रिसेंटली ही हमने फिल्म गोविंदा नाम मेरा में अपनी रियल लाइफ इमेज प्ले करते देखा था। ये एक केमियो रोल था जहां हमने रणबीर को विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा था। यहां पर नोटिस करने वाली बात ये है कि लाइक मोस्ट ऑफ द रोल्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो, हियर टू रणबीर वाज फाइन विद टेकिंग जोक्स ऑन हिमसेल्फ। आपको ये केमियो कैसा लगा था? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। हीरो कौन? आप ही रहेंगे? नहीं नहीं, रणबीर सिंह मेरा फेवरेट। सर मेरा फेवरेट आप ही हैं। मेरा भी फेवरेट आप ही हैं सर। चल चल चल, ये सच्ची झूठ मत बोल। चल नंबर 1, शाहरुख खान इन लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा वॉज अ फिल्म विच वॉज इमोशनली मूविंग। फिल्म में कई सारे सीन्स ऐसे थे विच आइदर मेक यू क्राई और लाफ आउट लाउड। इनमें से ही एक सीन था जहां हम लाल के कैरेक्टर को शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो ट्रेन में जा रहे पैसेंजर्स को बताता है कि वो कैसे बचपन में शाहरुख खान से दिल्ली में मिला था। This was a hugely entertaining scene where we even see Shah Rukh entering the film and dancing with a younger Lal. यहाँ पर सबसे मेटा मोमेंट वो था कि जब Lal starts praising Shah Rukh because this made every Bollywood fan emotional. D.D. L.J. कौन? Shah Rukh Khan. आओ जी, Shah Rukh Khan. बहुत ही सोना मुंडा है जी. वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहा, then we'll make a part 3 of this video. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।